नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। आइए आज के 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी में 7 सीनियर आईपीएस अफसरों के तबादले। कानपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आर के स्वर्णकार की जगह अखिल कुमार को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। डॉक्टर आर के स्वर्णकार एडीजी एपीटीसी सीतापुर बनाए गए। डॉक्टर के एस प्रताप कुमार एडीजी गोरखपुर जोन बनाए गए। राजीव सबरवाल एडीजी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एकेडमी मुरादाबाद बनाए गए। डीके ठाकुर एडीजी मेरठ जोन बनाए गए। सुजीत पांडे एडीजी पीएसी अशोक कुमार सिंह को एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया गया। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में एक लेख लिखा गया है। लेख में दावा किया गया है कि भारत ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाना तय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए 31 दिसंबर तक 8.18 करोड़ ITR भरे गए हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच सोमवार को हुई गोलाबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इस गोलाबारी में 19 लोग घायल भी हुए हैं। हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा जुर्माने का विरोध में देश भर में करीब आधे टूकों के पहिए थम चुके हैं। विरोध में शामिल होने वाले ड्राइवरों की संख्या धीरे बढ़ती जा रही है। ड्राइवर रोड पर ट्रक छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आज हालत बिगड़ सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुख और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के बीच आज शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.32 पर आ गया। क्राइम ब्रांच ने फिल्म निर्माता फारूक कबीर की अलग रह रही पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया है। फारूक की पत्नी और सास को उनकी नवजात बेटी को चोरी करने और देश से भागने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 21 दिसंबर को फारूक ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अपनी उज्बेकिस्तान नागरिक पत्नी सनम, उनकी माँ दिलफुजा और उनके सौतेले पिता तेजस खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव संग करण जौहर के चर्चित शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में नजर आएंगे। 2 साल पहले एक दूसरे से अलग हो चुके आमिर किरण के लिए यह पहली बार है जब वह एक साथ किसी शो का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटा ली। उससे पहले केंद्र ने दिल्ली एवं NCR में GRAP के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण रोधी पाबंदियां तत्काल हटा ली थी। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP के तीसरे चरण को वापस ले लिया गया है। इसी तरह अवरल टाइम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।